मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माननीय 28 पार्षदों का लिखित हस्ताक्षर के द्वारा लाया गया था, जिसकी तारीख आज है जो तय किया गया था। आज हाउस में चर्चा होनी थी, हाउस में माननीय 46 पार्षद में 44 पार्षद उपस्थित हुए, जिसमें 27 वोट है जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मिला, 8 वोट जो है विपक्ष के मिला और 9 वोट जो है डबल क्रॉस के कारण उसको कैंसिल किया गया। आगे क्या प्रक्रिया होगी? आगे निर्वाचन के आदेशानुसार काम किया जाएगा। निर्वाचन को जब डेट पड़ेगी डिप्टी मेयर के चुनाव की तो हम लोग उसका भी फाइट करेंगे। चलिए, हम आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कुल 46 वार्ड पार्षदों में से 44 ने भाग लिया, 2 अनुपस्थित थे। चर्चा के बाद से मत विभाजन कराया गया। मत विभाजन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 मत पड़े और विपक्ष में 8 मत पड़े और 9 मत रद्द किए गए। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सर, अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कारण क्या है? कारण आप मैडम से क्या रणनीति होगी? आज क्या हुआ, क्या किसकी जीत हुई? आज तो सच की जीत हुई। विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, विश्वास प्रस्ताव पक्ष की जीत हुई। क्या रणनीति होगी आगे? तो 8 पार्षद लोग तय करेंगे। क्या कारण है जो कि बीच में ही इतनी कुर्सी चली गई? कारण बहुत सारा, विकास के कार्य में बाधा था, हर मामले में बाधा पड़ता था, इसलिए कुर्सी जाना। भ्रष्टाचार का भी मामला था, बहुत सारा मामला था, बहुत सारा आरोप था। फोटो ठीक हुआ।